तलाश में लगातार सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन भेड़िये का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में बीती रात भी भेड़िये ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे अभी दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। एक तरफ पूरा वन विभाग समेत पूरा प्रशासनिक अमला आदमखोर भेड़िये की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भेड़िया वन विभाग की टीम को लगातार चकमा देने में कामयाब हो रहा है। इतना ही नहीं, कड़ी पहरेदारी के बावजूद भी भेड़िया अपनी मान से निकलकर हमला करने आ रहा है। बीती रात फिर से भेड़िये का आतंक देखने को मिला, जहां उसने खूनी खेल खेला। आदमखोर भेड़िये ने बहराइच में 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए। पहली घटना लगभग रात 11:40 की है, जहां सिगीहा नशीरपुर गांव में 30 साल की महिला पर हमला हुआ। भेड़िये ने गुड़िया नाम की महिला पर अटैक किया। ये आप घर में दिखाइए कि किस तरह से ये घर है, गुड़िया का 28 वर्षीय उनकी उम्र है, और यहीं पर देखिए बाहर खाना पकता है और कोई दरवाजा नहीं है, किवाड़ घर में है ही नहीं, तो किवाड़ का ना होने का फायदा भी ये भेड़िया उठा रहा है। अगर इन घरों में किवाड़ लग जाए, दरवाजे लग जाए, तो शायद भेड़िये की जो मुसीबत है वो थोड़ी कम हो जाए और इन ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिल सके। ये जितनी भी महिलाएं अपने बच्चों के साथ लेकर के यहाँ घूम रही है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे ये सभी बेहद परेशान है और परेशान हाल। ऐसे देखिए दूसरा घर भी है, ऐसे नहीं कि यही घर, अगर ये दूसरा घर आप देखें तो किस तरह से यहाँ पर सभी घरों में किवाड़ नहीं है, दरवाजे नहीं है, तो यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से भेड़िये का खौफ है। और बाहर की तस्वीरें भी दिखाइए जरा गोपीगिरी कि किस तरह से बाहर का इलाका है और भेड़िया किस तरफ से आया होगा। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से बाहर का जंगल का इलाका है और यहाँ पर देखिए खेत है, बाहर ये खेत है और इसी तरफ से भेड़िया भागा है, ऐसे ग्रामीण कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये सड़क जो जा रही है और आसपास का जो खेत का इलाका है, यहीं पर इसी इलाके से भेड़िया आता है और गुड़िया के घर पर हमला करता है, बच्चे को उठाने की फिराक में रहता है कि बच्चे को उठा करके वो ले जाएगा, और उसके बाद माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िये का वार सहा और उसकी गर्दन पर भेड़िये ने अटैक किया। 11 के आसपास की घटना है और 11 के आसपास भेड़िये ने इस घर पर अटैक किया और फिर जब सारा गांव जाग गया, रथ जगा हो गया, तब ये भेड़िया भागा है। इसके बाद सम्मनपुरवा गांव में भी भेड़िये ने कहर बरपाया। रात करीब 1:30 भेड़िया फिर हरकत में आया और 40 साल की महिला पर हमला हुआ। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सारे ग्रामीण इकट्ठा हैं और सब एक ही सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भेड़िये के आतंक का अंत कब होगा, भेड़िये के खौफ का अंत कब होगा, आखिर ये मुसीबत कब तक रहेगी। आगे बढ़ेंगे और जरा पीड़ित के घर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर पीड़ित के घर के क्या कहना है लोगों का, कैसे भेड़िये ने अटैक किया। इस वक्त हम देखिए सम्मनपुरवा में मौजूद है और हम देखते हैं कि आखिर क्या घटना कैसे हुई। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे, पहले वहाँ पीड़ित के घर को दिखाएंगे, फिर पूछेंगे वहाँ पर कि क्या कैसे हुआ है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से सम्मनपुरवा गांव में हम लोग मौजूद हैं और पीड़ित के घर पर हम लोग चल रहे हैं और सम्मनपुरवा गांव का दर्द भी हम बांटेंगे, न्यूज 18 की टीम बांटेगी कि आखिर सम्मनपुरवा में भेड़िये ने जब दूसरा अटैक किया तो उस वक्त क्या समय था और कितने बजे के आसपास ये भेड़िया आया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि ये एक भेड़िया नहीं, कई भेड़िये हैं, भेड़ियों का पूरा कुनबा है। हम देखिए सम्मनपुरवा गांव में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ये बच्चे हैं, सब यहीं पर रहते हैं और सभी की आंखें, सभी की जुबान एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर भेड़िये के खौफ का अंत कब होगा, भेड़िये के आतंक का अंत कब होगा। कौन सा घर है? ये वाला घर है और घटना यहाँ पर हुई है। आप बता रहे हैं कि यही घटना स्थल है, यहीं पर घटना हुई है। आदमखोर भेड़िया यहीं पर नहीं रुका, नरकोटवा गांव में सुबह करीब 4 भेड़िया फिर एक्टिव हुआ और 6 के बच्चे पर हमला किया। ये सभी गांव एक दूसरे के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। फिर हल्ला और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये इलाका है, इस इलाके में सामने खेत है, बगल में
जो है पानी भरा हुआ है और यही सामने बिल्कुल टारगेट पर घर है और इस घर में कहीं कोई दरवाजा नहीं है, बस खाली दो दरवाजे इस वाले घर में लगे हुए हैं। लेकिन जिस घर में ननकौस हो रहा था उसमें दरवाजा नहीं है, वो मिट्टी का बना हुआ है और उसी में ये 5 साल का बालक सो रहा था। उसकी माँ है क्या यहाँ पर? अगर माँ है तो वो बहराइच में गई है, माँ बहराइच में बच्चे के साथ है, उसकी देखरेख कर रही है, उसकी गर्दन पर हमला किया था। अच्छा, क्या उसको घसीट कर ले गया था कि ये यही छोड़ दिया था? सामने देख के बताइए, क्या घसीट कर हमला किया था, ये छोड़ दिया था क्या? दादा ये बताइए, खड़े होइए जरा, हमला किया खाली जो है हमला किया कि घसीट के ले गया, कहाँ मिला था फिर? थोड़े दाबी से पकड़े से जसू चेचिया ना तैसे दौड़ का वह पर गिर जाग गए। मतलब जैसे बच्चा बोला पीछे आगे आगे हमला किया, कहीं तनी खाली चेचिया पैसे और जसू चिल्लान है तैसे दौड़ के हमारे लौंडन पर गिरा। आप ये कह रहे कि चिल्लाने का मौका बच्चे को मिल गया, उसको मतलब पूरी तरह से जकड़ नहीं पाया इसलिए चिल्ला पाया, अगर चिल्ला ना पाता तो ले गया था, तो ले चला जाता। भेड़िए के हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, वाला आदमी जलाया था, बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के भाग रोने लगे, तब सब कोई दौड़े तो वो भेड़िया माँ जुंधरे में पिल गए, पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया जी। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ पढ़ा जा सकता है। सम्मनपुरवा गांव में जिस महिला पर हमला हुआ, कहा जा रहा है कि महिला के साथ उसकी बेटी सो रही थी, भेड़िया उस पर हमला करने आया था। महिला ने अपने बच्चे को किसी तरह उससे बचा लिया लेकिन भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। जब हमला किया होगा तो खून बिल्कुल धार धारा बिल्कुल चल गया, पूरा कपड़ा भीज गया। अच्छा। थोड़ा खून नहीं, लड़किया के जो एक साल भरे के गोद में लड़की है उसको भी नहीं छोड़ा, नहीं लेके वो भाग जाता। अब उस लड़की तो गोद में लिए हुए थी, गुड़िया खून से नहीं बूढ़ी हुई है बच्ची, वो दिहाई दे बच्ची यही पर है, वो बच गई ना, उसको तो चोट नहीं आई। अब पीछे से दावे, पीछे से बच्चे को बचा लिया, हमला अपने ऊपर ले लिया। सो रही थी वही बाहर बरामदे में और एकदम से अटैक किया, नींद में थी ये भी, नींद में रही होंगी और बच्चे को उन्होंने पीछे कर लिया। जब उसको हुआ तो वो चिल्लाया तो बच्चे को पहले दाब लिया, तो इधर ऐसे खून पकड़ के नटाई और चिल्लाया। मां के लिए बच्चा, बच्चे के लिए भेड़िए से भिड़ गई माँ। तब उसको काट डाला, भेड़िए से भिड़ गई माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे को बचा लिया और भेड़िए का सामना खुद कर लिया। 8 साल की लड़की और लेटी थी वही। अच्छा। लेकिन वो पर नहीं, दोनों लड़कियाँ बच गई, उस पर हमला कर दिया। मंगलवार की रात भी भेड़िए ने महसी तहसील के खैरी घाट थाना क्षेत्र के रायपुर कोरियन टपरा गांव में 50 साल की महिला पर हमला किया जब वो घर के बरामदे में सो रही थी। छठे भेड़िए की तलाश तो तेज कर दी गई है लेकिन उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बारिश की वजह से भी ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अभी तक भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों में 9 बच्चे शामिल हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भेड़िए के हमले से घायलों को 5,400 रुपए की आर्थिक मदद भी मिली है। ई पेमेंट से घर वालों के परिजनों के खाते में रकम भेजी गई है। भेड़िए के हमले में घायल 10 लोगों को 54,000 रुपए की मदद की गई है। बहराइच के वन विभाग ने गांव के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है लेकिन फिर भी आदमखोर भेड़िया लगातार हमले कर रहा है जिससे महसी तहसील के दर्जनों गाँव दहशत में है। वहीं सीतापुर में भी भेड़िया हमलावर हो गया, यहां 9 बकरियों के मारे जाने की खबर है। थानगांव थाना क्षेत्र के शंकरपुर झिसनी गांव की यह घटना है जिससे लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।